तो चलिए भाई सारे बच्चे आ जाइए एक बार और जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून बच्चा। तो आज का टॉपिक हम लोगों ने लिया है तत्सम और तद्भव। तत्सम को यदि तोड़ते हैं तो तत् जमा सम से टूटता है और ये कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि तत्सम शब्द किससे बना हुआ है, तो तत्सम शब्द व्यंजन संधि से बना हुआ है। अब तुम सोचोगे तद्भव किससे बना हुआ है, तो तद्भव भी सेम इसी तरीके से टूटता है, तत् जमा भव, और ये किससे बना हुआ है, आपका व्यंजन संधि से। चाहे तत्सम हो चाहे तद्भव हो, दोनों ही व्यंजन संधि से बना हुआ शब्द है। क्लियर है भाई? अब दूसरी चीज देखोगे यहाँ पे, इसको लॉजिक है। अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का एग्जाम ले लो, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, या फिर हरियाणा का ले लो, है ना, या UP का ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले सकते हो, GD लेखपाल हो गया, या फिर आप टीचिंग का एग्जाम हो गया, CTET हो गया, है ना। आप किसी भी लेवल के एग्जाम को यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तत्सम तद्भव हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तत् जमा सम, इसका मतलब होता है उसके समान, उसके समान, तत्सम उसके समान, मतलब किसके समान, तत्सम मतलब उसके समान, उसका मतलब आप किसकी तरफ जा रहा है तुम्हारा ध्यान, उसका का मतलब होता है संस्कृत की तरफ, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो कुछ ऐसे शब्द हैं हमारे पास हिंदी में जो कि बदले हुए आए, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे, शब्द विचार। तो शब्द विचार में मैंने आपको बताया था देशज जो देश में जन्मे हुए हैं, विदेशज जो विदेश में जन्मे हुए हैं, है ना, और कुछ मैंने बताया था तुम लोगों को जो कि दो अलग अलग भाषाओं से मिक्स होकर बने हुए हैं, जिनको हम द्विज कहते हैं। तो हमारे पास शब्द विचार पढ़ रहे हैं, तो शब्द अलग अलग जगह से आया हुआ है, कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो हमने देखा कि देशज वाले शब्द हैं, कुछ विदेशज वाले शब्द हैं, कुछ द्विज हैं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हुए हैं। वैसे ही हमारी हिंदी जो है संस्कृत से जन्मी हुई है। अब डायरेक्ट संस्कृत के शब्द तो हम लोग नहीं बोलते हैं, क्या आप संस्कृत बोलते हो, एज इट इज नहीं बोलते ना, हिंदी बोलते हो आप लोग। तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से लिए गए हैं, जिनको हमने छेड़ा ही नहीं, बदला ही नहीं, एज इट इज यूज करने लगे, उनको हम तत्सम कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। मान लो ये पूरे ब्रैकेट में आपको संस्कृत शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये जो पूरा ब्रैकेट है ब्लू वाला, ये पूरा संस्कृत है। क्या है ये, पूरा संस्कृत है, 100% संस्कृत शब्द है। अब क्या हुआ कि कुछ शब्द समय के साथ साथ बदलने लगे, बदलने का मतलब समझ रहे हो, जैसे कुछ साल बदला, कुछ समय बदला, तो देखने को मिला कि हाँ भाई धीरे धीरे हजारों साल बीतते गए, चेंजेस आने लगे, जैसे हमारे रहन सहन, खान पान, है ना, हर चीज में चेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही इनमें भी चेंजेस आने लगे। अब उसमें से कुछ ऐसे शब्द थे जो बदल गए, मान लो संस्कृत में से हमारे पास कुछ ऐसे शब्द निकल कर आए, 60% शब्द ऐसे निकल कर आए जो बदल गए, जो संस्कृत से जो बदले उनका हमने नाम रखा तद्भव। ठीक है, जो चेंज होके आए, जो चेंज हो गए, हजारों साल के डिफरेंस में चेंज हो गए। बट क्या संस्कृत के 100% शब्द बदले, नहीं, संस्कृत में से 60% ही तो शब्द बदले, पर ये 40% तो 100% संस्कृत हैं, है ना, पर इनमें से जो 60% बिगड़े, वो जिससे बिगड़कर बने हुए हैं वो तो संस्कृत है ना, पर इवन हमने 100% को तो तद्भव नहीं बोला, हमने तद्भव सिर्फ उसी को बोला जो बिगड़े, जो बिगड़कर निकले उनको हमने तद्भव कहा, और जो बिगड़े उन्हें हमने तत्सम कहा। तो ये 60% जो है ये बिगड़े हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ,
हम लोग मान लो कोई कंपनी हमने खोली, उस कंपनी में आपके 50 एम्प्लॉई हैं या 100 एम्प्लॉई हैं, वो 100 एम्प्लॉई जो हैं वो उस कंपनी में काम करते हैं, पर मैंने देखा कि उस कंपनी में काम नहीं चल रहा है, तो उस कंपनी के 60% व्यक्ति जो हैं मेरी कंपनी में आ गए, वो 60 के 60% मेरी कंपनी में आ गए, तो मैंने उनको कहा कि ये मेरे नए मुलाजिम हैं, पर कहाँ से आए हैं, ये दूसरी कंपनी से आए, ABC कंपनी से आए हैं, तो उन पे टैग तो ABC का लग गया ना, तो वो 100% में से ये 60% चीज़ हैं जो बिगड़ गए, तो इनको हमने तत्सम कहा और इनको हमने तद्भव कहा। जब मेरी कंपनी में आ गए तो उनका नाम तद्भव रखा गया, बट ये तो बोला जाएगा ना ये 60% कहाँ से आए हैं, तो वो ABC कंपनी से आए हैं, तो वो तत्सम हो गए, उनको संस्कृत बोलना गलत हो जाएगा, उनको संस्कृत से आए हैं ये बोलना गलत हो जाएगा, उन्हें ABC से आए हैं ये बोलेंगे, दूसरी कंपनी से आए हैं ये बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नहीं तो हमें तत्सम बनाने की जरूरत ही क्या थी, हम डायरेक्ट संस्कृत नहीं बोल देते। आ रहा है समझ में? तो अब तत्सम शब्द क्या है, तत्सम शब्द की जब हम बात करते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है, देखो यहां तक तो क्लियर हो गया, अब दूसरी चीज देखोगे, अब तत्सम और तद्भव के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा कि भैया तत्सम को तद्भव क्यों कहा जा रहा है या क्यों नहीं कहा जा रहा है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। अब जब हम तत्सम की बात करते हैं तो तत्सम में एक चीज तो क्लियर हो गई हमारी कि तत्सम उसके समान, तो किसके समान, संस्कृत के समान, किसके समान, संस्कृत के समान। और तद्भव क्या होता है, तद्भव किसको कहेंगे हम लोग, तद्भव का मतलब होता है उससे होना, इसका मतलब क्या है, उससे होना, पर किससे होना, उससे होना या उससे बनना, पर किससे होना किससे बनना, तो संस्कृत से बनना। सामान्य भाषा में चीजों को समझते हुए अब तत्सम शब्द के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी में एज इट इज प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें हम क्या कहने लगे, तत्सम कहने लगे। क्या कह रही हूं मैं कि संस्कृत में, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको दिखा देती हूं, है ना, एक सेकेंड रुकोगे, डेफिनेशन भी तुम लोगों को दिखाई दो, है ना। उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पे देशज कर लिया था, विदेशज कर लिया था, द्विज कर लिया था, और अब अनुकरणात्मक भी कर लिया था, अब हमारा सिर्फ तत्सम और तद्भव बचा हुआ है। ठीक है, याद होगा उत्पत्ति के आधार पे हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें दो एडिशनल हमने पढ़ा था, द्विज और संकर, फिर हम रचना शुरू करेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, सीधा हम चलते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की तरफ, सॉरी तत्सम और तद्भय की तरफ। ठीक है, प्रॉपर है विजिबिलिटी सबको। ठीक है, तत्सम शब्द, तत्सम
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तत् जमा सम, इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिसमें कोई ध्वनि परिवर्तित नहीं हुई है, ठीक है, परिवर्तन नहीं हुआ है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द का सिंपल सा एक अर्थ है कि ज्यों के त्यों शब्द, है ना, संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द हमने ग्रहण कर लिया हो हिंदी में बिना कोई साउंड चेंज के। जैसे अतः को अतः बोलने लगे, प्रातः को प्रातः बोलने लगे, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमने बिल्कुल चेंज ही नहीं किया, एज इट इज यूज किया, उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। पर तद्भव क्या होता है? तद्भव का मतलब होता है वे शब्द जो तत् जमा भव से बने हुए हैं, जिसका उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने शब्द को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो इनमें क्या हुआ, इनमें चेंजेस होने लगे, इनमें परिवर्तन होने लगे। तो तद्भव की अगर डेफिनेशन की बात करें तो हिंदी में प्रयुक्त वह शब्दावली जो ध्वनि परिवर्तनों से गुजरती हुई हिंदी में आई है तद्भव शब्दावली कहलाती है। मतलब जिसमें चेंज होने लगा उसको हम लोग तद्भव शब्द कहने लगे। ठीक है, क्लियर भाई? तो अब थोड़ा सा तद्भव शब्द को पहचानने के लिए हमें कुछ ट्रिकों की जरूरत होती है। तो हमें ट्रिक जरूरी है, बाकी कुछ आए चाहे ना आए, हमें ट्रिक आना चाहिए। तो चलो आज बहुत सारे वर्ड्स करेंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स करेंगे जिससे हमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। साउंड आप लोगों को प्रॉपर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आज, कुछ वर्ड्सों की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। देखो तो तत्सम तद्भव ये तो समझ आ गया, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो अब हम लोग इसकी कुछ ट्रिक समझ रहे हैं, क्या हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये तद्भव है, तत्सम है या क्या है? ठीक है, देखो अब इसको थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूं कि ये क्या चीज है। ठीक है, देखो जब तत्सम तद्भव की बात करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे पहचानें कि ये तत्सम है, तद्भव है। अब संस्कृत तो हमने पढ़ी नहीं है कि हम देखते पहचान जाएंगे संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो आपको ध्यान रखना है इनको आइडेंटिटी कैसे करें, इनको पहचाने कैसे। तो चलो देखते हैं तत्सम शब्द। तो सबसे पहले तत्सम शब्द की बात करेंगे कि अगर किसी पे क्या आ जाए, ये चंदा मामा। चंदा मामा किसको कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं भाई, अनुनासिक को कहते हैं। क्या है ये? अनुनासिक। ठीक है, तो जिस पे भी चंदा मामा लग जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव होता है, सिंपल ट्रिक बता रही हूं, जिस पे भी चंदा मामा लग जाए वो क्या होता है, आपका तद्भव होता है। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल के साथ इसको करते हैं कि कैसे पहचाने। जैसे मान लो इधर मैं तत्सम लिख रही हूं और इधर मैं तद्भव लिख रही हूं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाइएगा आप लोग। अक्षी, अक्षी का क्या होगा बताओ, किसके साथ जाएंगे? चले भाई दूसरा कलर ले लेती हूं। तो अब मुझे बताओ यहां पे अक्षी का क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है क्या होगा, आंख होगा। तो इसमें चंदा मामा लगा हुआ है। जैसे अंधकार लिखते हैं हम लोग, अंधकार का क्या होगा, अंधेरा।
ठीक है, अंधकार का क्या होगा? अंधेरा। दंत का क्या होगा? दांत। पंच का क्या होगा? पांच, है ना। और चंद्र का क्या होगा? चांद। इससे एक चीज स्पष्ट नहीं हो रही है कि ये जो होता है इसको कहते हैं हम अनुस्वार। क्या कहते बेटा? अनुस्वार। और इस अनुस्वार का, अनुस्वार जो होता है तत्सम होता है, ऐसा 100% नहीं कह सकते हैं, पर अनुस्वार तत्सम शब्द है। और ये जो है चंदा मामा अनुनासिक, अनुनासिक ये आपका क्या होता है? ये तद्भव होता है 99% केस में, ठीक है। तो चंद्र का क्या हो गया? चांद। अब कंच का क्या हो जाएगा? कांच, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग बताओ? अब जैसे हम लोग बोलते हैं किसी भी शब्द की बात करें, जैसे मान लो अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखोगे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे गेहूं, आप लोग जानते होगे, गोधूम सुना होगा आपने, गोधूम। गोधूम का मतलब होता है गेहूं। और बताओ भी, ग्राम जानते हो? ग्राम। ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव। और शब्द बताओ भी। ऐसे ही बहुत सारे शब्द आपको यूज करने हैं और मुझे बताते जाओगे तुम लोग, है ना। अश्रु जानते हो? अश्रु। अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू, ठीक है। और बताओ भी, चंद्र, पंच, दंत, अंधकार, है ना, ग्राम का गांव हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। गुंठन, गुंठन शब्द का बहुत सुंदर प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। गुंठन का क्या हो जाएगा? घूंघट हो जाएगा। और बताओ भाई बच्चे, सभी कमेंट करोगे? चलिए फटाफट बताएंगे। तत्सम तद्भव शब्द, हर कोई आंसर देगा। मुझे सिर्फ अनुनासिक का बताओ तुम लोग, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत सारा चाहिए तुम्हें। हाँ, मुख का मुंह, बहुत बढ़िया, मुख का मुंह। इजी इजी बताओ, चाहे डिफिकल्ट बताओ, पर सब बताओ। हाँ, सारे आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्रु का आंसू, बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और बताओ, अंध का अंधा, अंध का अंधा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बताते जाओ, सभी बच्चे आंसर देंगे भाई। ऊष्ट का ऊंट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे दिमाग दौड़ता है जब आपसे पूछती हूं ना, तब आप लोग का दिमाग दौड़ता है कि क्या क्या आंसर होना चाहिए। उच्च का ऊंचा, बिल्कुल करेक्ट है, उच्च का ऊंचा। ये आपको सिखा रहा है कि आपको एग्जाम में कैसे आंसर्स लगाने हैं, कि इसमें से कौन सा आपका तत्सम होगा और कौन सा तद्भव होगा। कूप का कुआं, बिल्कुल ठीक है, कूप का क्या हो जाएगा? कुआं हो जाएगा। जी बच्चा, बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, बताते जाओ फटाफट। ग्राम का गांव, बिल्कुल, हाँ, ग्रंथि का गांठ लिख सकते हैं आप,
ग्रंथि का गांठ लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे ग्रामीण का गंवार, हाँ जी बिल्कुल सही है, ग्रामीण का गंवार। हाँ गोधूम का गेहूं मैंने बता दिया था बेटा आपको, गोधूम का गेहूं। चलो आगे बताएंगे, चंद्र का चांद बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट बताओ भाई सारे बच्चे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वेरी गुड। धूम्र का धुआं, हाँ जी बिल्कुल सही है, इजी बता रहे हो बट बहुत सही है, कम से कम आप लोग को इन चीजों का नॉलेज तो है। धूम्र का धुआं, और किसके साथ जाएंगे भाई? सबके कमेंट देख रही हूँ मैं, नहीं मूंछ में बिंदु होता है बेटा, चंदा मामा नहीं लगा सकते आप, अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे उसमें, उसके आगे देखिए आप लोग। जी बच्चा बिल्कुल, इससे क्या सीखने को मिला? इससे हमें ऐसे बहुत सारे शब्द देखने को मिले जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। अब आ रहा है समझ में तुम्हें? क्लियर है कि किस तरीके से इनका प्रयोग हम लोग करते हैं? चलिए भाई बहुत बढ़िया, कम से कम बच्चों ने बहुत सारे आंसर्स दिए, और पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चा आंसर दे रहा है, नहीं बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीखी कि च छ जब भी आ जाए तब को उसको कैसे यूज़ करना है। जी जी बच्चा बिल्कुल, चलिए ठीक है। हाँ उपयुक्त का मैं बता देती हूँ बेटा, उपयुक्त का ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, एक बच्चे ने पूछा है कि मैम उपयुक्त का क्या होगा, है ना? तो उपयुक्त और उपर्युक्त दो शब्द होते हैं, ऊपर उपयुक्त कुछ नहीं होता है, उपर्युक्त होता है और उपरोक्त होता है। तो आपको ये जो वर्ड आप लिख रहे हो ये स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, मैं बता देती हूँ, ये होता है ऊपर और युक्त ये होता है, और एक होता है उपरोक्त, ठीक है? स्क्रीन पे जो वर्ड आपको दिख रहा है उपरोक्त, तो ये ऊपर युक्त तत्सम है ध्यान रखिएगा, और ये उपरोक्त तद्भव है। ठीक है ये तद्भव है जी, ठीक है क्लियर है भाई? चलो तो हमने एक नियम पढ़ा कि हम क्या कर सकते हैं कि जो भी चंदा मामा वाले शब्द हैं, अनुनासिक वाले जो भी शब्द हैं, वो सब क्या हैं? आपके तद्भव हैं। चले भाई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा नियम। दूसरा नियम जिसकी हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो श होते हैं इसको हम ख में बदल देते हैं, तो छ वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके तत्सम शब्द, और जो ख वाले होते हैं वो आपके होते हैं तद्भव वाले शब्द। तो आप पहचान भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं, क्योंकि दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहचानना और बदलना, ठीक है? तो तत्सम में जैसे हम देखेंगे छ, तो छ को ख में बदलना है, जैसे अक्षी, अक्षी का मैंने अभी क्या लिखा था आंख, श को किस में बदल दिया है मैंने? ख में बदल दिया है ना? जैसे हम लिखते हैं, देखो कुछ अपवाद भी आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे क्षमा, तो क्षमा का खमा नहीं हो जाएगा, तो क्षमा का ये हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत, है ना? शीर, शीर का मतलब क्या होता है? खीर, ठीक है? अब और बताओ भी, और क्या बोलते हैं? लक्ष्य बोलते हैं हम लोग, लक्ष्य का होता है लाख, रक्षा बोलते हैं रक्षा,
उसका होता है राखी। एक कॉमन सेंस यूज करके भी आप तद्भव बना सकते हैं, जैसे रक्षाबंधन लिखते हैं है ना, या भिक्षा लिखते हैं हम, भिक्षा, तो क्या हो जाएगा इसका, भीख हो जाएगा। और बताओ भाई, सारे बच्चे बताएंगे, आंसर देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अक्षावट, बिल्कुल करेक्ट है, अक्षावट है ना। अक्षावट का मतलब होता है अखाड़ा। एक मेरे लैपटॉप में पता नहीं क्या वायरस आ गया है और जब देखो तब टू 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 बच के दुखी करता है। चले भाई आगे बढ़ेंगे, बता दे जाओ। हाँ, इक्षु का ईक, चलो भाई एक आगे बताते जाओगे फटाफट। कदली का केला होता है बेटा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत फेमस है। कुक्षी का कोक होता है, हाँ जी बिल्कुल, कुक्षी का कोक लगा सकते हो आप, कुक्षी का कोक हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कृष्ण का किसन होता है बेटा, ये वाला है ना कृष्ण, इसका किसन होता है, ठीक है, यहाँ पे किसन शब्द लगाते हैं। हाँ जी बच्चा, कोई नहीं, आपको डाउट है जो पूछते जाओगे। ग्राहक का गाहक होता है बेटा, ग्राहक का गाहक, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो बच्चों को डाउट्स हैं वो साथ के साथ बताते जा रही हूँ मैं, ठीक है। ग्रंथि का गांठ बेटा ये उसमें आएगा, बिल्कुल गोधूम का गेहूं, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बताएंगे, ताम्र का तांबा, ये तो वहां चला जाएगा बेटा, इसमें लिखोगे आप ताम्र का तांबा, ताम्र का तांबा, यहां पे आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। सब लिखते जाएंगे, एडिशनल भी बता रही हूं मैं आपको, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी थोड़ा। त्वरित का तुरंत होता है बेटा, त्वरित, त्वरित का तुरंत, ये पूछे जाते हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीक्ष्ण का तीखा, एक बच्चे ने बताया तीक्ष्ण का तीखा, बिल्कुल ठीक है, आप तीखा यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़िए, दधि का दही होता है बेटा, दधि का दही, श को ख, हाँ भू भुक्षित, ये आया हुआ क्वेश्चन है, भू भुक्षित, भू भुक्षित का मतलब क्या होगा यहाँ पर, भूखा, भू भुक्षित का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, भूखा शब्द हो जाएगा। चले भी और बताइए क्या आ जाएगा, भिक्षुक, हाँ भिक्षुक भिखारी है बेटा, भिक्षुक शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है भिखारी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम श को ख में बदलने वाली ट्रिक को कर रहे हैं। मनुष्य का मानुष हो जाएगा बेटा, लक्ष्मण, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लक्ष्मण को हम लखन कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़िए बच्चा, छ छ की तरफ चलेंगे फटाफट, शीर को खीर बोलते हैं, हाँ जी बच्चा बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और बताओ भी फटाफट, सारे बच्चे आंसर देंगे। जितना ज्यादा तुम लोग पार्टिसिपेट करोगे ना उतनी चीजें सीखने को मिलती हैं। अखरोट का अखरोट लिख दिया बेटा, नहीं लिखा है, अक्षोट का अखरोट होता है बेटा, हाँ लिख रही हूँ, अक्षोट का अखरोट, पूरा मौका देती हूँ तुम लोगों को मैं,
पार्टिसिपेट करो। बताइए भी रक्ष, हाँ ये देख लोगे, ये रिक्ष करके जो होता है इसको रीच कहते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तुम कंफ्यूज होते पता नहीं क्या है, तो भाई लिखवा दे रही हूँ तुम लोगों को। आगे बढ़ो भाई, छ की, छ की बात कर रहे हैं हम, हाँ क्षत्रिय का क्षत्रिय लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। पक्षी का पंछी होता है बेटा, ये अपवाद में कर लो, पक्षी का पंछी, उसका पंखी नहीं होगा बेटा जी, इसको अपवाद में करेंगे हम लोग। पुष्कर का पोखर अपवाद में होगा बेटा, पुष्कर का पोखर होता है बेटा, तालाब को पुष्कर कहते हैं और पोखर उसका तद्भव शब्द है। ये एडिशनल बताती हूँ, इसको जरूर नोट डाउन कर लिया करो, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आपसे। जी जी बच्चा बिल्कुल, हाँ छत बेटा, छत जो है ये वाला, ये वो अपवाद में जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ये जो है ये शत होता है और इसका ये हो जाएगा छत, ठीक है ध्यान रखिएगा। हाँ क्षति भी उसी अपवाद में ही जाएगा, क्षति और क्षति ये अपवाद है। हाँ शार का खार बोल सकते हैं, शार का खार बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बहुत बढ़िया भाई, ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो अक्षी का आँख, यहाँ पे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, अक्षी का आँख, शार का खार, इक्षु का ईख, कुक्षी का कोक, शीर का खीर, क्षेत्र का खेत, है ना शीर का खीर, इसमें हमने श को किस में बदला है, ख में बदला है। ठीक है अब हम क्या करेंगे, व को ब में बदलने वाली ट्रिक करेंगे, आ रहा समझ में, एक एक करके करवा रही हूं, आराम से करिए। नेक्स्ट ट्रिक हम लोग क्या करेंगे, अब हम व को ब में बदलेंगे, जो व होता है वो तत्सम होता है और जो ब होता है वो तद्भव होता है, ठीक है। अब व और ब वाले में हम लोग शब्दों को करेंगे, जैसे वाणिक, तो वाणिक का क्या हो जाएगा, बनिया, है ना, वैसे ही वर्षा का क्या हो जाएगा, बरखा, और बताओगे विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह, वन का क्या हो जाएगा, जंगल का, वन, और बताओ भाई वानर का क्या हो जाएगा, बंदर, व्याघ्र का क्या हो जाएगा, बाघ, बता दीजिए वो फटाफट, और किसके साथ जाओगे, हाँ विद्युत भी लिख सकते हो, बिल्कुल विद्युत याद आ गया मुझे, विद्युत भी है,
बिजली। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, वानर, विवाह, वर यात्रा, विद्युत। बाकी अब मैं आपको कुछ एडिशनल भी करवाऊंगी, बिजली में छोटी की मात्रा लगाइएगा। चलिए भाई, अब बताइए मुझे व से परिवर्तित होने वाले शब्द। कोई नहीं, सबको मौका दे रही हूं मैं, तो सब आंसर दो, इससे क्या होगा आपको सीखने को मिलेगा। हाँ आषाढ़, बेटा बता रही हूँ, एडिशनल चीजें बता दे जाती हूँ। आषाढ़ का एक बच्चे ने पूछा है, मैम आषाढ़ का क्या होगा, आषाढ़, ये थोड़ा सा एडिशनल बेटा, इसको सिर्फ और सिर्फ स से चेंज कर देना तुम लोग, ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उज्जवल का उजाला होता है बेटा, उज्जवल का उजाला, चलो भाई वाह 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 वाले बताओगे फटाफट। चलिए भी बताएंगे फटाफट वाह 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 वाले। घट का घड़ा होता है बेटा, और घटिका का घड़ी, और घोटक का घोड़ा होता है बेटा। ये घ में तुम लोग ज्यादा फंसते हो। झरना, झरन का झरना होता है बेटा। तड़ाग का तालाब, ये तड़ाग कई बार आ चुका है, तड़ाग का तालाब एडिशनल इधर लिख रही हूं मैं, जो तुम्हारे डाउट है वो पूछती जा रही हूं। तरवारी का, तरवारी माने तलवार होता है बेटा, तरवारी माने तलवार, तलवार लिख दी हूं, तलवार लिखना तुम लोग, तलवार नहीं है वो, तलवार है, ठीक है। चलो भाई बताओ भाई फटाफट बताएंगे। अब इसमें बताएंगे विद्युत, बिजली, चलो भाई फटाफट बताएंगे किसके किसके साथ जाएंगे यहाँ पे। या का वह बनाना है आपको, वह यव का जो, हाँ बताएं भी फटाफट बताएंगे किसके साथ, यव का जो होता है, ये एडिशनल है बेटा, यव का जो हो जाएगा, यव का, जिन्हें नहीं पता है ना यव का, ये लिख लोगे भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है यव का जो। वट का बड़ होता है, चलो बच्चे को एक को तो याद आया, वट का बड़ होता है। वाणिक का बनिया बता चुकी हूं बेटा, वधु का बहु होता है, बिल्कुल ठीक है, वधु का बहु होता है। वर्धन का बढ़ना होता है, वर्धन का बढ़ना, वर्तिका का बत्ती होता है बेटा, वर्तिका। बत्ती बताएं भी फटाफट बताएंगे। फटाफट बताओ भाई फटाफट। कोई नहीं, आप लोग देख रहे हो, मैं उसी हिसाब से आप लोग का, कज्जल का काजल बेटा, बहुत बार पूछा वो क्वेश्चन है। घी का घृत होता है बेटा, घी का घृत,
क्लियर है सबने? और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं सबके वैसे कमेंट देख रही हूँ, कोशिश यही है। परख का परीक्षा, हाँ बिल्कुल, ये पहले वाले ट्रिक में इस्तेमाल करेंगे, परख का परीक्षा होता है, श को ख में बदलना, परख का परीक्षा, बिल्कुल ठीक है। वज्रांग, हाँ ये लिख सकते हो आप, वज्रांग जिसको बोलते हैं, वज्रांग जानते हो किसको बोलते हैं? यहाँ आएगा ये नहीं, वज्रांग का मतलब होता है बजरंग, ठीक है, वज्रांग बेटा बजरंग को, बजरंग, हाँ जी। अपवाद भी मैं लिखवा रही हूँ साथ के साथ, बरकर को बकरा कहते हैं, बरकर को बकरा, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, बट चीज को समझ के करो। हाँ बरकर का बकरा, बनिया का वणिक मैं बताई चुकी हूं तुम लोगों को। हाँ वत्स का बच्चा कर सकते, बिल्कुल वत्स का बच्चा, हाँ वत्स बेटा, वत्स का बछड़ा भी होता है, वत्स का बछड़ा भी आप लगा सकते हो, बछड़ा। मधु का बहू बता चुकी हूँ, बड़ का वट होता है, वृद्ध का बुढ़ा लगा सकते हो बिल्कुल। हाँ जी बच्चा बिल्कुल, हाँ वर यात्रा का बारात लगा सकते हो, बारात, हाँ बधिर, बधिर तत्सम है और बहरा तद्भव है। अपवाद एक्सेप्शनल में आप ये याद रखिएगा, भगिनी इसका बहन होता है। जी जी बच्चा बिल्कुल, वार्तका इसका मतलब क्या होता है? वार्ताक बेटा बैंगन को कहते हैं, बैंगन को कहते हैं, पैंगन को। बोलो, वाणी, वाणी को हम वचन बोल सकते हैं, बात बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ बलि वृद्ध, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बलि वृद्ध ये पता है किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? बैल को कहते हैं। वृश्चिक, कुछ अपवाद भी है भाई, उसको तुम लोग पढ़ोगे। वृश्चिक किसको बोलते हैं बताओ? बिच्छू को। हाँ वक बगुला को कहते हैं। बगुला वंश को हाँ वंश को बांच कहते हैं। हाँ जी ये वाला सर बिल्कुल। व्याघ्र बाघ को कहते हैं, बंध बांध को कहते हैं, ठीक है, बंध माने बांधना। अपवाद भी लिखवा रही हूँ बेटा इसमें, ठीक है। हाँ वीणा, वीणा को हम लोग बानी भी बोल सकते हैं। आगे आगे बढ़ो। बालुका
संस्कृत शब्द है, बालुका, बालू, इसको हम व में चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वर्ण को हम वर्ण बोल सकते हैं, वर्ण ये बोल सकते हैं, विकार को बिगाड़ बोल सकते हैं, विकार को बिगाड़। क्लियर है भाई? आगे ना बहुत सारे शब्द हैं, इनको करने से बहुत सारी चीजों का नॉलेज हो जाता है। जी जी बिल्कुल, बढ़े आगे, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया सबको। तो हमने क्या क्या किया है, हमने बहुत सारे शब्द करे हैं ना, अभी तुमने देखा हमने बहुत सारे शब्द करे हैं। अभी और करेंगे हम लोग। तो तत्सम में हमने एक तो किया तुम्हारा ये वाला है ना, कौन सा वाला, अरे भाई एक तो तुम्हारा हमने छ को ख में बदलने वाला, एक अनुस्वार अनुनासिक को अनुस्वार में बदलने वाला, एक श को ख में बदलने वाला, ठीक है, फिर व व को ब में बदलने वाला। अब हम नेक्स्ट करेंगे, अभी बचा है और एक आध करेंगे अभी तो हम लोग, है ना। चलो ब्लैंक पेज लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, आपको सब पीडीएफ में भी मिलेगा बेटा, पर पीडीएफ में कम मिलेगा है ना, तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी जैसे यहाँ पे मिलेंगी आपको, जैसे यहाँ देखोगे शाक, साग, सूक, सुआ, सुंड, सुंड, श्यामल है ना, श्यामल मतलब सांवला, ससुर माने ससुर। तो कभी कभी ये सारी चीज़ें भी आपको देखना होता है कि श को हम लोग इस स में बदल रहे हैं तद्भव बनाने के लिए। सुक माने सुआ माने तोता की बात हो रही है, सुंड सुंड तो इस श को किस में बदल रहे हैं, इस स में बदल रहे हैं, श्याम सांवला है ना, ये थोड़ा सीखने की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम य को व में बदल रहे हैं, ठीक है। वर्षा को हम बरखा बना रहे थे, अब य को हम व बनाएंगे, जैसे युवा, तो य को हम किस में बदल रहे हैं, ज में। युग का जुग, युद्ध का जत्था, यदा का जब, यजमान का जजमान, योग का जोग, योगी का जोगी, यत्र का जहां, यम का जम। चलो अब थोड़े से एडिशनल पढ़ना भी जरूरी है। आ रहा है बच्चों को? जब आप किसी चीज को पढ़ते हो ना, तब आपको धीरे धीरे उसमें कमांड बन जाती है बेटा। चलिए भाई, मैं देख रही हूँ बच्चे कौन कौन लिख के भेज रहा है। यह के एग्जाम्पल, इतवार आदित्यवार होता है बेटा, गोमय को गोबर कहते हैं बेटा, चलो करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यह जो है तत्सम होता है बेटा, और इसको हम लोग ज में चेंज करेंगे और तद्भव बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो यजमान आ जाए तो क्या करोगे, जजमान हो जाएगा। यम का क्या हो जाएगा, जम हो जाएगा। यमुना का क्या हो जाएगा,
जमुना हो जाएगा, युवा का क्या हो जाएगा, जवा हो जाएगा, है ना। और बताओ भाई, यज्ञ का क्या होगा, यज्ञ हो जाएगा, यशोदा का क्या होगा, जशोदा हो जाएगा, बताओ भाई। जन्म का जन्म ही लिखना है बेटा, ये जन्म संस्कृत का है और ये जन्म तद्भव है। हाँ, युवा का जवान या जवान भी लिख सकते हो, दोनों सही है। हाँ, यति का जति होगा, यश का जश होगा। तुम लोग भी कमेंट करते रहो, तुम्हारा भी मैं देखती रह रही हूँ। एक वर्ड बहुत बार पूछा गया था, यगो पवित, इसका मतलब होता है जनेऊ। यूथ का जत्ता, बिल्कुल करेक्ट है, यूथ का जत्था। योगी का तो जोगी बिल्कुल इजी है, योगी का क्या लिखेंगे हम, जोगी। जमाई का, हाँ जमाई का जमाता, ये सेम रहेगा बेटा, इसमें चेंज नहीं करना है। जमाई का जमाता, जम का यम, सॉरी यम का जम होगा बेटा, ये उल्टा लिखा गया एक मिनट, तुम ऐसे ही याद कर लोगे ना, तत्सम तद्भवम, इसलिए मैंने तत्सम पहले लिख रही हूँ, तद्भव बाद में लिख रही हूँ, कोई बात नहीं, तुम लोग कैसे भी लिखो, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। ज माता जो है वो तत्सम शब्द है, और जमाई तद्भव शब्द है बेटा, ठीक है। हाँ, और यम का जम होता है बेटा, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। युक्ति, युक्ति नया वर्ड है, युक्ति का आप लिख सकते हैं जुगति। एक तो इस वायरस ने मुझे परेशान कर रखा है। ज्योत, ज्योति का ज्योत लिख सकते हो, ज्योति का ज्योत, ठीक है। यव का जो मैंने बता दिया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है जी जी। यव का जो लिख लो, नहीं तो पहले बता दिया था, अभी फिर से लिख दे रही हूँ। जो झरना का झरन, हाँ झरन का झरना होगा बेटा, क्लियर है। और कोई दिक्कत किसी को यहां तक भाई, नहीं मैं सबके डाउट देख रही हूँ, चिंता मत करो तुम लोग। हाँ, जमाता का जमाई बेटा, जमाई या जमाई दोनों लिख सकते हो आप। दीपावली का दिवाली होता है बेटा, दीपावली तत्सम शब्द है, ये तत्सम है बेटा दीपावली। और दिवाली जो है वो आपका तद्भव है,
हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नींबू, नींबू बेटा, नीम नहीं, नींबू नहीं, नींब, नीम, नींब माने नीम होता है बेटा। हाँ नींब का मतलब नीम है यहाँ पे। नापित माने नाई। ये सब प्रीवियस ईयर है, इनको करवा ही रही हूँ मैं, तुम लोगों चिंता मत करो। हाँ पक्ष का पंख बोल सकते हैं। और कोई, मेघ, मेघ को बेटा मेघ का मेह हो जाता है, बादल नहीं लगाना है आपको मेघ का। मक्षिका का मक्खी आपको पता ही है, मेघ का मेह लगाते हैं, बादल नहीं लगाना है आपको। मरीच माने मिर्च बेटा, मरीच ऋषि नहीं है यहाँ पे, मरीच का मतलब मिर्च है। हाँ यशोदा का जशोदा, बिल्कुल। यशोगान, यशोगान का क्या होगा, यशगान, इसको जसगान भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ यूथ का जत्था हो जाएगा, यूथ का जत्था लिखवाया ना मैंने, हाँ लिखवा रखा है, यूथ का जत्था। बस क्लियर है, यमुना का जमुना भी लिखवाई दिया था मैंने, ये सब। हाँ मोर और मयूर में से बेटा कोई बात नहीं, मयूर जो है ना ये तुम्हारा तत्सम है और मोर तद्भव है बेटा। हाँ वर्षा का बरसात होगा बेटा, बरखा भी लगा सकते हो। हाँ स्वर्णकार सुनार को कहते हैं बेटा, स्वर्णकार सुनार को। स्कंद माने कंधा बेटा। कोई नहीं पूछ लो, तुम लोग जो डाउट है जो पेपर में आया है पूछ सकते हो। स्कंद का कंधा होगा बेटा। शत माने 100 होता है बेटा। चलो मैं बता देती हूँ, जिन्हें नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम आता है क्योंकि कई बार जैसे सप्ताह लिखते हो तुम लोग तो इसका मतलब होता है सप्त। आह, आह माने दिन होता है बेटा, और सप्त माने होता है सात, सप्त माने सात होता है, सत माने 100 होता है। सहस्त्र हजार होता है। लक्ष लाख होता है। कोटि करोड़ होता है। और दशाब्दी, शताब्दी 100 होता है, दशाब्दी 10। हाँ शिक्षा का बेटा सीख होगा। शिक्षा का सीख होगा। हाँ सुख का तोता लिख सकते हो बेटा, सुख का सुआ, और अगर सुआ ना दे तो तोता लिख सकते हो। हाँ श्र को हम लोग क्या करते हैं, हम स में चेंज कर देते बेटा। हाँ जैसे श्रेष्ठी शब्द है, अब इसमें ये लगा हुआ है,
तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये सेष्टी, तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेठ। हाँ ये आदर्श होता बेटा, सेष्टी का क्या हो जाएगा, सेठ। तो श्र को कई बार हम लोग स में चेंज कर देते हैं, जैसे सावण है तो इसको हम लोग सावन कर देते हैं। हाँ जी बेटा बिल्कुल। हाँ श्राप है, बिल्कुल श्राप शब्द भी ले सकते हैं, श्राप में हम लोग श्राप कर देते हैं, श्रृंगार का भी देख सकते हो तुम लोग, श्रृंगार का हम लोग सिंगार कर देते हैं। हाँ हाँ श्रृंगाल एक वर्ड जानवर भी होता है, श्रृंगाल वो भी लिख लो तुम लोग, श्रृंगाल का सियार होता है। हाँ जी श्रृंग का सिंग तो सबको जानते हैं, तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो श्र को हम लोग स में भी चेंज कर सकते हैं। क्षत्रिय का खत्री होगा बेटा, क्षत्रिय श को ख में बदल देते हैं ना, तो खत्री हो जाता है। ठीक है। हाँ शाक का साग हो जाएगा, ये वाला शाक माने साग, क्योंकि तो बहुत इजी चीजें आ जाती हैं। शिर का सिर होता है बेटा, ये शिर का सिर हो जाएगा, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है। सुभाग का सुहाग होता है बेटा, सुभाग का सुहाग, सूर्य का सूरज। हाँ सूर्य तत्सम शब्द है और सूरज तद्भव शब्द है। वर्ष का बरस हो जाएगा, हाँ वधू का बहू, वाष्प का भाप हो जाएगा, वाणी का आवाज बेटा, ये तो मैंने वहां भी कराना था ना, करवाया है शायद तक, व का है ना, वाणी का आवाज हो जाएगा, आवाज। वक बगुला भी बताया था तुम लोगों को, वार्ता का बात भी बताया था। ठीक है। लवंग माने लौंग, लौंग को बोलते हैं बेटा, कितनी एडिशनल चीजें हैं। लोमशा माने लोमड़ी, राजा का तद्भव होता है राय। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रहे हो ना बच्चों। रज्जू माने रस्सी, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैं लिख रही हूँ जो तुम पूछ रहे हो, सब लिख रही हूँ, लिखते जाओ। मरकट मकड़ी को कहते हैं बेटा। हाँ अब चलो त्र वाली कर लें। अब नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है कि कभी भी संयुक्त व्यंजन आ जाए, आ जाए तो वह तत्सम होते हैं। कौन कौन से, जैसे छ आ जाए, त्र आ जाए, ज्ञ आ जाए और श्र आ जाए। एक री भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये री भी आ जाता है तो आपको याद रखना है ये आपका तत्सम है। ठीक है, जैसे मित्र है तो मित्र का क्या हो जाएगा, ये मीत हो जाएगा, होगा कि नहीं।
पुत का क्या हो जाएगा? पुत्र। ओहो, पुत्र का पूत, रात्रि का रात, क पुत्र का क पूत, और सपुत्र का सपूत। बताओ भी और। चैत्र का चैत, चित्रकार का चितेरा, छत्र का छत्री, छत्र का छाता। बताओ ही और। वर यात्रा का बारात, ये लिखवा चुके इसलिए दोबारा नहीं लिखा रही हूँ। कुपुत्र का कुपूत, अन्यत्र का अन्यत्र, क्या होगा बताओ? अनंत। बताओ भी और। सब शांत हो गया। आश्चर्य का अचरज होता है बेटा, आश्चर्य का अचरज। हाँ, आखर का अक्षर होता है बेटा, आखर का अक्षर। ये वाला भी लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो, आशर, अक्षर। ये मतलब मात्रा मत लगाना, अक्षर। आशीष का आशीष होता है बेटा, आ शी स, इसका आशीष होता है। क्लियर है? एकत्र का इकट्ठा होता है बेटा, एकादश का 11। एला माने इलायची, एला माने इलायची, ये वाला यह लिख लेना, इलायची। ठीक है, कदली का तो केवला, केला सब जानते हो। कपाट का किवाड़, कर्ण का कान होता है, कार्य का काज होता है। ठीक है, और कोई? गौ माने गाय बेटा, ये भी इजी है। घट का घड़ा होता है। तिथि वार का मतलब होता है त्योहार, तिथि वार इसका मतलब होता है त्योहार। और कुछ नहीं? चलो, तो यहाँ पे हमने य को ज में चेंज करने वाला देखा। यहाँ पे तुम देखोगे कि हम कुछ श्र को, जैसे श्रृंगार, सिंगार, मातृभार्य, ये जो री होता है ना, ऐसे वाले, ये भी आपके तत्सम शब्दों में आते हैं। घृत का घी, मृतिका का मिट्टी, घृणा का घिन, गृहिणी का घरनी, वृद्ध का बुढ़ा, श्रृंग का सिंह। तो ये री वाले जो होते हैं ना, ये भी तत्सम शब्दों में काउंट होते हैं। अब जैसे यहाँ रात्रि, रात, त्र को त में चेंज कर रहे हैं।
राजपुत्र राजपूत, सूत्र सूत, मित्र मीत, पत्र पत्ता, है ना, पुत्र पूत, कपूत सुपूत, हमने बहुत सारे ऐसे देखे। ये अनुस्वार वाला बताया था तुम्हें, अनुस्वार को हम चंदामामा में बदल दे रहे, चंद्र का चांद, मुख का मुंह, लंग का लंगड़ा, पूछ का पूछ, पंच का पांच, अंधकार का अंधेरा, ग्राम का गांव, धूम्र का धुआं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने अभी देखे थे। कुछ ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे जैसे द्विपहरी का दोपहरी, है ना, स्पर्श का परस, व्याघ्र का बाघ, ताम्र का तांबा, प्रस्तर का पत्थर। तो ये जो पैरों में लगे होते हैं ना, ये वाले ऐसे करके ये लगे होते हैं, इनको भी हम इसी कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारे शब्द हैं, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इतने सारे शब्द हैं, मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करा दी है जैसे तुम लोग को दिमाग में बैठ जाए कि भाई हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। और आज बहुत सारे हमने किए हैं, है ना, अगर देखेंगे तो हमने सारी छोटी छोटी ट्रिक्स के जरिए हमने इनको किया है। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो तत्सम और तद्भव में हमें बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो भाई अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आज की क्लास को यहीं विराम दूंगी और मिलेंगे कल, ठीक है, नए अच्छे से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।